खुशखबरी कब दे रही हो? हाँ, उनकी शादी हो गई है। कॉलेज से पता था दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे। आई नो, तूने कहा सही है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। अरे नमस्ते आंटी। अरे मॉम। हाय। अरे नमस्ते आंटी। नमस्ते जी। गया आंटी। हेलो बेटा, कैसे हो दोनों? ठीक हो? अरे पूजा, शादी को तो तुम्हारे 1 साल हो गए। खुशखबरी कब दे रही हो? हाँ बेटा, बहुत टाइम हो गया है। ये प्रिया देख, प्रिया तो शादी कर ही नहीं रही है। पता नहीं भगवान कब बच्चों का सुख देगा। हम तो तरस गए किलकारी सुनने के लिए। मॉम, आपको और कोई मिला नहीं आज तंग करने के लिए? अच्छा, कौन 1 साल में बच्चा करता है? अरे 9 महीने लगते हैं बच्चा पैदा करने में, और यहाँ तो 1 साल हो गया है। क्यों पूजा, ठीक है ना? मतलब पति को खुश रख रही है ना? नहीं नहीं सब ठीक है आंटी, हम एक्चुअली फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं। अभी आपको 2 साल तक कोई खुशखबरी नहीं मिलने वाली है। बेटा ये फैमिली प्लानिंग क्या होता है? हम तो आए शादी करके, उसके बाद 10 महीने में नेहा आ गई गोदी में, और फिर 1 साल बाद इसका भाई आ गया। मॉम, वो आपने कॉन्डम और कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया ना, इसलिए। अरे बेशरम। और इसके जॉब का क्या? अभी तो ज्वाइन किया है इसने। अरे जॉब शॉप तो बाद में हो जाएगा, पहले परिवार तो पूरा करने दे। हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले शादी कर लो, फिर बच्चा कर लो, फिर उनको बड़ा कर लो। अरे हमारे कोई ड्रीम्स नहीं है क्या? ये कॉन्डोम क्या होता है?